बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सीएजी की रिपोर्ट ने कई विभागों में घोटाले को उजागर किया है। पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा और उद्योग विभाग पर सीएजी की रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। बताते चले कि कई ऐसे बड़े खुलासे यहां पर देखने को मिले मध्य प्रदेश में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर। कई अलग अलग विभागों में बड़े खुलासे की यहां पर बात कही जा रही है और अब कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाले खुलासे हैं और इस खुलासे के बाद सियासत भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, कैग की जो रिपोर्ट है वास्तविकता में हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो टिप्पणियां करी हैं, पूरे मध्य प्रदेश शासन को, फाइनेंस विभाग को कटघरे में खड़े करने वाली रिपोर्ट है। अगर अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो फिर कब खुलेंगी ये मुझे नहीं पता। आप और छोड़िए, प्रधानमंत्री जी के जो आवास हैं, जिनके नाम का 24 घंटे गुणगान करते हैं, आप देखिएगा अंदर, मुख्यमंत्री को तो नाम लेना भूल जाते हैं, उनके आवासों में तक जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। अपात्र लोगों को दे दिए हैं कई सारे। तो जो हमारा पुराना बजट है वो लैप्स हो जाता है जितना लेके, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है मध्य प्रदेश की, सिर्फ कर्ज लादा जा रहा है एक एक व्यक्ति के ऊपर, रोज कर्ज ले लेके लाद देते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है माननीय वित्त मंत्री जी की, कोई प्लानिंग नहीं है सरकार की। पहले की सरकारें जो कांग्रेस की सरकारें रही, वो लोन लेती थी और लोन लेकर के, कर्जा लेकर के घी पी करके सो जाती, ना प्रदेश का विकास होता था, ना जन कल्याणकारी योजना उनकी सार्थक होती थी। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक नियम प्रक्रिया है, उसके माध्यम से टोटल बजट का जितना कर्ज लेने का प्रावधान है, उससे आगे बढ़ के हम लोग कर्ज नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि प्रदेश का विकास और जनता की सेवा, जनता को लाभ किस प्रकार से दे सके, जनता को लाभ भी मिल रहा है और प्रदेश का विकास भी हो रहा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2000 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य ऐसा है कि सब मनगढ़ंत कहानी है। आएगी सरकार, नहीं तो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो कहीं ना कहीं अब सीएजी ने जो रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद ही अब सियासत तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां आरोप लगा रही है कि मौजूदा सरकार में कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। हालांकि अगर रिपोर्ट को देखें तो रिपोर्ट में कई बड़े ऐसे घोटालों को उजागर किया गया है। सीएजी ने कई बड़े घोटाले मध्य प्रदेश में जो हुए हैं उसको लेकर पकड़ा। वन विभाग से जुड़ा हुआ घोटाला भी सामने आया, गलत तरीके से 50 करोड़ से अधिक खर्च करने के यहां पर रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। विभाग से जुड़ी हुई खरीदी में भी घोटाले किए गए हैं, ऐसा रिपोर्ट में सामने आया है। पीएचई विभाग में भी रिपोर्ट में आया है कि फर्जी सिक्योरिटी डिपॉजिट किए गए हैं, ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया है, ये पीएचई विभाग के घोटाले सामने आए। कोल सेक्टर में भी इसी तरह से जानकारी आई कि गलत फैसले से कोयले की रॉयल्टी घटी है, सरकार को 1400 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर अब प्रदेश में सियासत बढ़ने का मुद्दा यहां पर मिल चुका है और जिस तरह से अभी सत्र जारी है, बजट सत्र, तो कहीं ना कहीं अभी अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूरी रिपोर्ट को लेकर भी हंगामा प्रदेश में देखने को मिलेगा बजट सत्र के दौरान, और साथ ही साथ अब आने वाले समय में ये आखिर सियासत किस और रुख लेने वाली है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल सीएजी की ये जो रिपोर्ट है, कैग की ये जो रिपोर्ट है, कहीं ना कहीं प्रदेश में हलचल को बढ़ाती हुई नजर आए। प्रदेश में हुए घोटालों को उजागर किया है सीएजी ने दिए गए अपने रिपोर्ट में, चाहे वो पीएचई विभाग से जो घोटाले का आंकड़ा सामने आया है उसको लेकर उजागर किया, चाहे वो वन विभाग से जुड़े हुए घोटाले हो, चाहे वो कोल सेक्टर से जुड़े हुए हो, गलत फैसले से रॉयल्टी, कोयले की जो रॉयल्टी है उसमें कमी आने की जानकारी दी गई है और सरकार को 1400 करोड़ का नुकसान होने की बात कही गई है। अलग अलग विभागों में इसी तरह के घोटालों को उजागर किया सीएजी ने। तो बताते चले कि दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग में भी कहीं ना कहीं कई ऐसे घोटाले उजागर किए गए, वन विभाग में भी उजागर किए गए घोटालों को, गलत तरीके से 50 करोड़ से अधिक खर्च करने की बात कही गई है, विभाग से जुड़ी खरीदी भी घोटाले करने की बात कही गई, फर्जी सिक्योरिटी डिपॉजिट किए गए हैं पीएचई विभाग में, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया है ये भी उजागर हुआ है, कोल सेक्टर में गलत फैसले से कोयले की रॉयल्टी में कमी आने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा खुलासा देखने को मिला है
सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद। आपको बताते चले कि अब कहीं ना कहीं इससे यह कहा जा रहा है, घेराबंदी की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो भी फैसले लिए हैं और ये जो घोटाले पकड़े गए हैं इससे प्रदेश में कहीं ना कहीं नुकसान फैला है।